राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ देकर न केवल विपक्ष की एकता को खंडित किया बल्कि बिहार की बेटी मीरा कुमार को भी आहत किया है। विपक्ष को पूरी उम्मीद थी कि नीतीश उन्हीं का साथ देंगे, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने अपना पाला बदलकर एनडीए के साथ जाने का ऐलान कर दिया, जिसके चलते विपक्ष के साथ साथ राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार भी नीतीश से काफी नाराज है। राष्ट्रपति चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर आज पहली बार मीरा कुमार की पीड़ा मीडिया के सामने झलक आई। उन्होंने कहा कि कभी नजदीकी भी साथ छोड़ देते हैं। मीरा से पूछा गया था कि उनकी आवाज क्या नीतीश कुमार की अंतरात्मा तक नहीं पहुंच पाई। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अंतरात्मा को पुकार का प्रभाव जरूर पड़ता है। इस संबंध में उन्होंने वीवी गिरी का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें अंतरात्मा की आवाज पर ही वोट मिले थे। साथ ही उन्होंने पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने के आरोप पर भी सुषमा स्वराज पर जमकर निशाना साधा। मीरा कुमार ने कहा कि वह सुषमा ही थी जिन्होंने लोकसभा में उनकी कई बार तारीफ की। राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम सब की आवाज बनकर खड़े हों और अंतरात्मा की आवाज पर निर्णय लें। राजनीति की ये पुरानी प्रथा है कि ऐन वक्त पर राजनेता अपना पाला बदल ही लेते हैं। ठीक ऐसा ही नीतीश कुमार ने किया, जिससे विपक्ष की राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार खासा आहत हैं। भले ही बिहार की बेटी मीरा ने सीएम नीतीश को खुलकर कुछ ना बोला हो, लेकिन इशारों इशारों में दिया गया ये बयान उनके दुख को जरूर बयां कर रहा है। देखते रहिए डीबी लाइव।